साथियों, इस एकॉर्ड का लाभ बोडो जनजाति के साथियों के साथ ही दूसरे समाज के लोगों को भी होगा, क्योंकि इस समझौते के तहत बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है, अधिक सशक्त किया गया है। इस समझौते में सभी की जीत हुई है और सबसे बड़ी बात है शांति की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है। अभी आपने खड़े होकर के ताली बजा करके मेरा सम्मान किया। मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर एक बार फिर ताली बजाएं, मेरे लिए नहीं शांति के लिए, मेरे लिए नहीं शांति के लिए, अहिंसा के लिए ताली बजाइए, शांति के लिए ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एकॉर्ड के तहत बीटीएडीए में आने वाले क्षेत्र की सीमा तय करने के लिए कमीशन भी बनाया जाएगा। इस क्षेत्र को 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा, जिसका बहुत बड़ा लाभ कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी जैसे जिलों को भी मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि बोडो जनजाति के हर अधिकार का, भाषा संस्कृति का विकास सुनिश्चित होगा, संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस समझौते के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति होने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, अब सरकार का प्रयास है कि असम एकॉर्ड की धारा 6 को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार और त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। हम लटकाने भटकाने वाले लोग नहीं हैं, हम जिम्मेदारी लेने के स्वभाव के लोग हैं। इसलिए अनेक सालों से असम की जो बात लटकी पड़ी थी, अटकी पड़ी थी, भटका दी गई थी, उसको भी हम पूरा करके रहेंगे। साथियों, आज जब बोडो क्षेत्र में नई उम्मीदों, नए सपनों, नए हौसले का संचार हुआ है, तो आप सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अब यहां के हर समाज को साथ लेकर, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगी। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि असम सरकार ने बोडो भाषा और संस्कृति को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं और बड़ी योजनाएं भी बनाई है। मैं राज्य सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, असम सरकार और केंद्र सरकार अब तीनों साथ मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को एक नया आयाम देंगे। भाइयों बहनों, इससे असम भी सशक्त होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी और मजबूत होगी।